छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रेरणा से बुलंद हौसले के साथ बड़े लक्ष्य तय कर रहा है। सरकार बनने के बाद पहले 100 दिन में क्या काम करना है, कौन से फैसले लेने हैं, इस पर लगातार काम किया है। ऐसा नहीं कि अब सरकार बन गई, चलो मालाएं पहनते घूमते फिरेंगे। आज जितनी मेहनत करता हूं, उतनी ही मेहनत 4 जून के बाद भी जारी रहेगी। और इसलिए 100 दिन में क्या करना है, इसका ब्लूप्रिंट रेडी करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे कुछ लोग कहते हैं कि मोदी जी इतना आत्मविश्वास, मुद्दा मोदी के आत्मविश्वास का नहीं है, मुद्दा जनता जनार्दन का अरसपरस विश्वास का है। लेकिन मैं जब कल काशी में था और बहुत सारे नौजवानों को इस समय चुनाव अभियान में मेरा मिलने का हुआ, मैं देख रहा हूं कि देश का नौजवान, उसके पास एक नई कल्पकता है, नए आइडियाज है, हर चीज को नए तरीके से करने का उसका तजुर्बा है। और इन दिनों जो मेरी उनसे बातचीत हुई है तो मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। अब मैं कोई लाखों नौजवानों के साथ तो बातचीत करना संभव नहीं हुआ मेरे लिए, लेकिन मैं देश के युवाओं को एक पर्सनल रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं, आग्रह भी करना चाहता हूं। क्योंकि इन दिनों जो मैं नौजवानों को मिला हूं, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं, तो मेरा मन करता है कि जो मेरा 100 दिन का विजन है, इसको मैं 125 दिन का पीरियड तय करूं, और जो 25 दिन नए मैं जोड़ रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश के नौजवान, उनके मन में जो ख्याल आए वो मुझे भेज दें, मैं उसमें से छांट करके ये 25 दिन बढ़ा करके मैं उसमें उसको शामिल करना चाहता हूं। क्योंकि मैं मानता हूं कि अब देश जिस तेजी से आगे बढ़ रहा है, हर पल नया विश्वास, नए सपने, नए संकल्प, और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि देश के नौजवान मुझे वो सुझाव देंगे जो नॉर्मली हम लोगों की सोच में नहीं होते हैं, उसमें नयापन हो, भविष्य के लिए नक्कर बातें हो। और मैं चाहता हूं कि मैं इन युवाओं को लेकर के उनके विचारों के लिए 100 के दुनवा मला मेरा टाइम टेबल तो है ही है, अतिरिक्त 25 दिन का टाइम टेबल, उस दिशा में मैं सोच रहा हूं। मतलब कि करीब 4 महीने मैं बहुत तेजी से ऐसा फाउंडेशन तैयार करना चाहता हूं जिसके कारण मेरा 2047 का जो लक्ष्य है ना, वो और निकट बांस आने लगे। और इसलिए मोदी का तो मंत्र है, आपके सपने